बोरीवली कोरा केंद्र ग्राउंड संख्या 4 में भारत का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम टनल का शुभारंभ सांसद गोपाल सेट्टी के हाथों द्वारा किया गया। फन एंड फेयर विद फिश एक्वेरियम के तहत हितेश मखेचा के नेतृत्व में यह शानदार आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सांसद गोपाल सेट्टी ने किया। दरअसल इस मौके पर सांसद गोपाल सेट्टी ने कहा कि सरकार में रहते हुए हम सब की यह जिम्मेदारी बनती है कि मुंबई करों के लिए एक शानदार फिश एक्वेरियम का निर्माण किया जाए, जिसके लिए वह लगातार प्रयासरत है। अब तस्वीरों में देख पा रहे हैं सांसद गोपाल सेट्टी की उपस्थिति में फिश एक्वेरियम टनल का शानदार ग्रैंड ओपनिंग सांसद गोपाल सेट्टी के हाथों द्वारा किया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद रहे, जिसमें प्रमुख अतिथि रहे सांसद गोपाल सेट्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता व जिला अध्यक्ष गणेश खनकर भी मौजूद रहे। इस तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बोरीवली के कोरा केंद्र ग्राउंड में एक शानदार आयोजन किया गया है। यह आयोजन लगातार 2 महीने तक चलेगा, जिसमें आप सभी बंधुओं से अनुरोध किया गया है कि आप एक बार इस फिश एक्वेरियम टनल को जरूर देखें, क्योंकि भारत का यह पहले सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम टनल होगा, जिसको देखकर आपको भी लगेगा कि शायद इस तरह की चीज़ें आपने कभी नहीं देखी। देखिए खास तस्वीरें। लेकिन दुर्भाग्य के शहर में इतनी बड़ी आबादी के लोगों को, उनके बच्चों को घूमने फिरने के लिए या तो एक नवीनता देखने के लिए कोई एम्यूजमेंट पार्क या तो फन फेयर जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। हितेश भाई माखीछा और हमारे बड़ौदा से राजेश भाई आए हैं, इन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि यहाँ पर फिश एक्वेरियम जो आप देख रहे हो, मैं स्वयं इसको देख के आश्चर्यचकित हुआ। छोटे से लेकर बड़े बड़े मछलियाँ यहाँ पर लोगों को देखने के लिए मिलेगा, और ये इन दिनों में आने वाले दिनों में नवरात्र के समय पर एक जगह पर डांडिया लोग खेलेंगे, तो दूसरी जगह पर जिनको डांडिया का टिकट लेने के लिए या तो बोरली में, तो इस बार 10 डांडिया का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन जैसे महाराष्ट्र के सरकार में हो रहा है, वैसे डांडिया में भी यहाँ पर हो रहा है, और मैं मानता हूँ कि उसके साथ साथ में ये एक फन फेयर का भी लुत्फ लोग उठाएंगे। और मेरा ये प्रयास है कि मुंबई में और विशेष करके बोरीवली में एक परमानेंट एम्यूजमेंट पार्क का डेवलपमेंट हम करें, फन फेयर जैसी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए देखने के लिए मिले, इसका व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। भारतीय के लिए हमारी नगर सेविका जब थी तो उन्होंने मुंबई महानगर पालिका में इसका ठहराव पास, नोटिस ऑफ मोशन पास करके लिया, लेकिन मुंबई महानगर पालिका को आपको पता है कुछ करना ही नहीं है, शहर में बैठ के ही सारे कॉन्ट्रैक्टर हुए, साथ में
खेल खेलते रहते हैं और ये उपनगर का अंतिम छोर जो बोरीवली दहिसर है वहाँ पर इस प्रकार की सुविधाएं बहुत कम मिलती है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि हम जैसे राजनीतिकों का एक काम है, अब तो हम ये नहीं कह सकते वो सरकार करती नहीं, ये नहीं सरकार करती है, अब तो सरकार हमारी है, तो अब भी अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, लोग तो क्या कर सकते हैं, लोग चाहिए कह सकते हैं, नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है और निश्चित मैं आने वाले दिनों में इसे परिपूर्ण करने का प्रयास करूँगा। भाई बंद है वो बेंगलोर में रहते हैं तोमा भाई करके, हमारे एकदम नजदीक के दोस्त थे, हम लोग रिक्वेस्ट किया भाई तुम उधर चलाते हो तो हमारे को इधर लाने को दो, हम लोग उसको मेंटेन करेंगे, जतन करेंगे, अच्छे से लाएंगे, आप वापस करेंगे करके, तो अपने रिक्वेस्ट मान्य करके हमारे दोस्त का थ्रू हम लोग इधर लेके आए इसको, ये इधर रहेगा 27 नवम्बर तक रहेगा और पब्लिक का रिस्पॉन्स रहेगा तो आगे भी हम करेंगे, और लाने में पूरी मेहनत उनको जो लगे, पर हम लोग को फीडबैक साफ होता था कुछ भी अच्छा कर नया रूट ग्राउंड का भी जिससे थ्रू करवाया, तो सबसे रिक्वेस्ट के ऊपर ही हमारे को उसने दिया बूथ फेस के अंदर, तो अच्छा मदद कर रहे हैं हम लोग को सबका। मछली इधर काफ़ी अलग अलग टाइप की मछली है, कोई समुंदर की है, कोई नदी की है, तालाब की है, तो उसका पानी का मैनेजमेंट पूरा इसका जो मेंटेन करने वाले लोग हैं, जैसे कि समुंदर के अंदर कोली लोग रहते हैं ऐसे ही इसका फिशिंग वाले लोग आए एक्सपर्ट लोग, उसको हम लोग लेके आए और इसका जो टेक्नीशियन एकदम अलग है उसका जो बनाया है वो, और ये पूरा लूप चाइना में जो बनता था वो हिसाब से इधर लेके आए। बाहर टनल हमने जो देखा जितने टनल उसमें ये मेरे को बड़ा लगा, इसलिए मैं भारत का नंबर 1 वो भी मोबाइल।